ऑलवेज यू हैव टू डू बी लाइक अ 3D प्रिंसिपल. आपने ये जर्नी देखी, आई वॉन्ट टू जस्ट शेयर विथ यू गाइज. एक छोटे टाउन से लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे पास ये नहीं होता. मैंने भी काफ़ी छोटी मोटी अचीवमेंट करके आज मैं जहाँ पे हूँ. आई एम जस्ट लाइक अ 30 years एंड आई वॉन्ट टू डू सम मेड लिटिल स्मॉल एम्पायर इज यतिकेन. सो यतिकेन इज गना बी आई थिंक फ्यूचर IT सॉफ्टवेयर कंपनी. यू गैस कैन सी दैट. डेफिनेटली ये एक ऐसा होएगा. तो ऐसा मत सोचो कि सपना हमने देखते हैं और हमें पूरा नहीं होता. पढ़ाई की बात कर लें या हम अपने डेडिकेशन की बात कर लें या अपनी आप मॉडलिंग की बात कर लें, तो मैंने अरमानी एक्सचेंज का मैं रनिंग मॉडल था 2017 इन शिकागो. बट स्टिल आई डिडंट स्टॉप. आई स्टडीड वेरी हार्ड. आई क्रैक द UPSC प्रीलिम्स एंड मेन एग्जाम इन 2021. बट माई पेरेंट्स वॉज टोटली अगेंस्ट. I don't want to go in that route. I want to be a business entrepreneur because I want to do something different for this whole over the world, whole over the nation, especially for the India. India having lots of opportunity, guys. But hame kuch usko proper wrap up karna hai aur hame acche se karna. So you guys can figure it out yourself, scratch yourself, and with 3D principle, dedication, devotion, and determination. Ab main apna aapko viram karta hun. Thanks, guys. What a wonderful speech, sir. Wow. Kehte rahe hain. स्टार्टअप इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2024 में जो लोग आए हैं ना, वो वाकई कमाल के हैं. उनकी जर्नी, उनका काम करने का स्टाइल अनोखा है. और मैं तमाम अपने जो पार्टिसिपेंट हैं, जो लोग इस अवार्ड में आए हैं, प्लीज़ आप बैठ जाइए, धमाका होने वाला है. मैंने कहा धमाका होने वाला है. अभी तक तो आपने हमारे VVIP को सुना, आपने अवार्डीज को देखा, लेकिन अब भाभी जी घर पर हैं. अरे हैं भाभी जी. उनके जो प्रेम साहब है वो आपको हंसने के लिए मजबूर करने वाले हैं. आप प्लीज बैठ जाइए, अपनी अपनी जगहों पर सीट ले लीजिए. आप लोग भी, मनीषा जी थोड़ी देर हंस लीजिए, बहुत मेहनत कर रही हैं आप. ब्लैक मैजिक गर्ल जी, अखिलेश जी धन्यवाद. कहते हैं ना कि तू रख हौसला, सब अच्छा होगा. ये स्टार्टअप यही है कि आप शुरू तो करो. आप भी डॉक्टर अनिल काशी मुरारका की तरह बन जाओगे, आप भी BN तिवारी की तरह बन जाओगे. यही बात प्रेम जी समझाने आ रहे हैं, हंसा कर आपको अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में. तो नहीं लगता है कि पहली बार इस स्टेज पर, कहते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल लाफ. आप हंसने जा रहे हो. आप हंसोगे तभी आपका डायबिटीज, आपके बाकी बीमारियों पर कंट्रोल होगा. हंसना बहुत जरूरी है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाभी जी, कभी घर, भाभी जी घर पर हैं, कि प्रेम साहब जो कमाल की एक्टिंग करते हैं, इतना कमाल कि आप हंसते हंसते लोट पोट हो जाते हैं, मैं उन्हीं को दावत देता हूँ कि सर हम लोगों को भी हंसाइए. और आपको देखकर ही हंसी आती है सर, कमाल है आप. मैं आपका इस्तकबाल करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू. प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी. हाँ, भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी, क्योंकि शंभू का दिमाग दो दारी तलवार है. अजगर नाम है मेरा, मैं डसता नहीं हूं, सीधा निकल जाता हूं और लड़कियों को देख के पिघल भी जाता हूं. आप लोग तो फिर भी इतनी तालियां बजा रहे हैं. कल मैं एक शो करने गया था, मेरी आवाज पे कोई ताली नहीं बजा रहा था, पीछे चाचा अकेला बैठ के ताली बजा रहा था. तो मैंने कहा वाह चाचा आप समझदार हैं, मेरी हर बात पे ताली बजा रहे हैं. चाचा ने कहा चुप कर, मैं ताली थोड़ी बजा रहा हूं, मैं तो तंबाकू मल रहा हूं. सबसे पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए तिवारी जी के लिए और संतोष मिश्रा जी के लिए, जिनके जरिए मैं आ जाया हूं. जोरदार तालियां उनके लिए जरा बजाएं. और भाभी जी घर पर है, कितने लोग देखते हैं हाथ ऊपर करें. अच्छा, जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया मैं समझ गया, उनको भाभी जी घर पर देखती है. भाभी जी घर पे ही देखती है, बोलते चुप करो मुझे देखो, भाभी जी को मत देखो. दोस्तों कुछ हंसी मजाक की बातें आपके सामने पेश करूंगा. मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूं, काफी शोज किए हैं मैंने. तो सबसे पहले मैं बात बताऊंगा, मेरी वाइफ को लेकर शुरुआत करता हूं. हर काम के पीछे एक औरत का हाथ रहता है, तो यहाँ भी मेरी वाइफ का हाथ ही है पीछे के, मैं इधर उधर ना हो जाऊं कहीं. तो मेरी वाइफ की मैं कुछ बातें बताता हूं. अभी कुछ दिन पहले मेरी वाइफ साउथ इंडियन है, मैं कच्ची गुजराती हूं, मेरे को बोलती है ये देखो 1 किलो मैं पिस्ता लाई 1500 रुपया किलो से. मैं बोला अच्छा है. 1200 रुपया किलो से मैं बादाम लाई. बोला अच्छा है. 1000 रुपया किलो से मैं काजू लाई. 800 रुपया किलो से मैं किचमिच लाई. बोला ये सब लाई करेगी क्या? गाजर का हलवा बनाएगी. बोला कब बनाएगी? अभी क्या है, गाजर का भाव 40 रुपया चलता है, जिस दिन 30 रुपया होएगा तब बनाएगी.
मतलब समझ गए ना आप, मेरा लड़का आखा दिन मोबाइल में मुंह डाल के बैठा रहता है, आखा दिन मोबाइल पे मुंह डाल के बैठा रहता है, बोला दिन भर मोबाइल में मुंह डाल के बैठा रहता है, बाहर की दुनिया भी देख, बाहर की दुनिया देख। तो मेरा बेटा क्या दाल में, बाहर की दुनिया का लिंक मोबाइल में भेजो ना, मैं मोबाइल में ही देख लूंगा। शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, थोड़ा आप यहां ही ध्यान दें, आप यहां वहां ध्यान देंगे तो शब्दों का खेल है। मैं अभी पिछले दिनों दिल्ली शो करने जा रहा था, फ्लाइट में एक लेडी बैठी थी और वो सोई हुई थी और उसका बच्चा चॉकलेट पे चॉकलेट खा रहा था, तो मैंने देखा, मैं बोला ये 8-9 साल का है, बोला बेटा इस उम्र में इतनी चॉकलेट खाते हो, ज्यादा चॉकलेट मत खाओ, ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। तो बेटा क्या बोलता है मालूम है, अंकल मेरे दादाजी है ना 110 साल के थे फिर मरे। अच्छा बोला वो भी चॉकलेट खा के मरे? नहीं, वो किसी की पंचायत नहीं करते थे। अभी मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे स्कूटी पे, ठाकुर भैरवानी नाम है, तो स्कूटी पे जा रहे थे तो लाइट खराब हो गई स्कूटी की, तो हवलदार ने पकड़ा, बोला नाम बताओ, बोला धन्नू, बोला धन्नू नाम है? नहीं, मेरा स्कूटी का नाम धन्नू है, तुम्हारा नाम बताओ। अरे गलती तो स्कूटी से हुआ ना, अरे क्या बात करता है, उसका नाम लिखो ना। बोला नहीं देखो कानून बहुत बारीक होता है, कानून बहुत बारीक होता है, तुम्हारा नाम बताना पड़ेगा। अच्छा बाबा लिखो ठाकुर भैरवानी, ठाकुर भैरवानी। बाप का नाम क्या है? अभी यार स्कूटी से गलती हुआ, मेरा नाम लिखा। बाप का नाम काय को लिखता है? कानून बहुत बारीक होता है, कानून बहुत बारीक होता है। अच्छा लिखो यार फूलचंद भैरवानी। दादा का नाम? अरे यार स्कूटी से गलती हुआ, मेरा नाम लिया, बाप का नाम डाला, अभी दादा ऊपर बैठा है।